नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। शुक्रवार 2 जून को रुपनारायणपुर वासियों ने विश्व साइकिल दिवस मनाया। स्थानीय लोगों के प्रयास को सलामपुर थाना व रुपनारायणपुर फाड़ी के नेतृत्व में इस दिन एक साइकिल रैली निकालकर विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस दिन रैली में बूढ़े और जवान साइकिल की सवारी करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा सलामपुर और रुपनारायणपुर फाड़ी के पुलिसकर्मियों के साथ उसी राहुलदेव मंडल, एसआई रंजीत सरकार, समाजसेवी भोला सिंह व अन्य ने भी जुलूस में साइकिल चलाई। यह साइकिल रैली डाबर मोड़ से देनवा मोड़ तक चलकर दोबारा डाबर मोड़ से डाबर मोड़ में आकर अंत हुआ। उसी राहुलदेव मंडल ने कहा कि विश्व साइकिल दिवस पर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने और शरीर को स्वस्थ रखने और सभी को जागरूक करने के लिए साइकिल जुलूस का आयोजन किया गया। এবং আমরা রুপনারায়ণপুর এবং সালনপুর থানায় যারা পুলিশকর্মী আছে, তো আমরা একটা সাইকেল র্যালি করলাম প্রায় 20 কিলোমিটার মতো, এবং মানুষকে সচেতন করার জন্য যে সাইকেল চালান এবং পরিবেশকে সুস্থ, পরিবেশ আরও যাতে সুস্থ থাকে এবং শরীর সুস্থ, বিশ্ব পরিবেশের জন্য, নিজের শরীরের জন্য, নিজের শরীর সুস্থ রাখার জন্য সব যে সাইকেলের যে সাইকেল চালানোর যে দরকার সেটাই সচেতনতা করার জন্য আর কি আমরা।